हाँ, हम बात करेंगे एक आपके होने वाली रोज की पूजा पर। विषय बहुत साधारण है लेकिन गंभीर भी है। उसका रीजन है क्यों। नॉर्मली गृहस्थ जीवन में आप अपने घर में जो पूजा स्थान बनाते हैं उसमें जो भगवान की प्रतिमाएं होती हैं वो 3.5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोग बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी रखते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए और बड़ी प्रतिमाओं की वजह से क्या दोष हो सकते हैं वो समझें। कोई भी बड़ी प्रतिमा जो 3.5 इंच से ज्यादा की होती है, मान लीजिए 1 फिट की है, 2 फिट की है, उस तरीके की कोई प्रतिमा, वो हमेशा उसकी स्थापना आवश्यक होती है, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। जो इतनी बड़ी प्रतिमाओं पर जो भगवान होते हैं वो हमेशा देव स्थान पर विराजते हैं, क्योंकि उनमें साक्षात उन भगवान की शक्ति होती है। तो वो चीज़ जो आप यदि उतनी बड़ी प्रतिमा अपने घर में रखते हैं तो उसका इसलिए दोष लगता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपके घर परिवार के लोगों के ऊपर वो सारी चीज़ों का असर आ सकता है। जब भी आप हमेशा अपनी पूजा करते हैं तो 3.5 इंच तक की प्रतिमा रखकर ही पूजा करें। अब बड़ी प्रतिमा मान लीजिए आपने गणेश जी की कोई बड़ी प्रतिमा रखी है 1 फिट की, 1.5 फिट की, तो आप यकीनन जानिएगा कि जिस घर में इतनी बड़ी प्रतिमा होगी उस घर से किसी एक व्यक्ति को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने देव बैठाए, तो जब वो देव बैठेंगे तो एक आदमी को वहां से कम करेंगे। आपने मान लीजिए राम दरबार रखा है बड़ा सारा, तो उस घर के अंदर हमेशा कलह चलेगी। वहां पर किसी एक व्यक्ति को कहीं घर से दूर जाना पड़ेगा या वाद विवाद होगा, वो व्यक्ति घर छोड़ के चला जाएगा। घटना दुर्घटना हो सकती है, चोरी जैसी चीजें हो सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि यदि कोई साधक है, यदि आप किसी अपने इष्ट देवी देवता की साधना करते हैं, उन देवी देवता के सेवक हैं, आप कोई मंत्र गुरु हैं, तो आप अपने उन इष्ट की बड़ी प्रतिमा रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैन धर्म के रक्षक देव हैं घंटाकर्ण महावीर, मणिभद्र जी, नाकोड़ा भैरव जी, भोमिया जी, तो इनमें भी जो बड़ी प्रतिमा इनकी भी हैं वो भी घर में स्थापित नहीं हो सकती हैं। यदि साधक हैं तो हो सकते हैं। अब मान लीजिए भूमिया जी की यदि आपने कोई बड़ी प्रतिमा अपने यहाँ पर स्थापित कर ली, तो यकीनन जानिएगा उस घर के लोगों की मृत्यु एक एक करके होगी ही होगी। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, और जो शिवलिंग होता है, मान लीजिए शिवलिंग का घर में दूध अभिषेक या जल अभिषेक नहीं होता, क्योंकि स्थापित और प्रतिष्ठित मूर्ति देव स्थान पर होती है, उनका जो अभिषेक होगा वहीं पर होगा। आप घर में करेंगे तो उसका दोष लगेगा, और ये दोष बड़े पूरे घर परिवार को, चाहे वो व्यापार व्यवसाय धन सब तरीके से झेलना पड़ते हैं। बड़ी प्रतिमा यदि आपने लक्ष्मी जी की रखी है, तो यकीनन जानिएगा कि उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं होगा, वहां पर धन की जितनी भी आवक होगी उससे ज्यादा का खर्चा होगा। तो ये चीजें छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं, क्योंकि इनके साथ जीवन जुड़ा हुआ है। तो आप भक्ति करें, आप प्रभु की आराधना करें, अपने घर के अंदर अपने पूजा स्थान पर करें, नियमित रूप से करें, लेकिन अपनी जो प्रतिमा है उनका आकार छोटा रखें। फोटो जितनी भी बड़ी रखना चाहें वो रख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं।